दिल्ली हाई कोर्ट की वो जज जिसने रिटायरमेंट से एक दिन पहले सुनाए 65 फैसले, जानिए कौन है जस्टिस मुक्ता गुप्ता। जस्टिस मुक्ता गुप्ता दिल्ली हाई कोर्ट की ये वो जज हैं जिन्होंने ना सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ काम किया बल्कि एक रिकॉर्ड भी बना डाला। जी हाँ, मुक्ता गुप्ता ने एक दिन में ही लगातार काम करते हुए अलग अलग डिवीजन बेंच की अध्यक्षता की और एक या दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 65 मामलों में अपना फैसला भी सुना डाला। हैरानी की बात तो यह है कि मुक्ता गुप्ता ने यह रिकॉर्ड अपने करियर के आखिरी दिन बनाया, यानी कि इसके साथ ही मुक्ता गुप्ता रिटायर भी हो गई। खास बात तो यह है कि जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने अपनी अध्यक्षता वाली बेंचों में चल रहे इतने सारे मुकदमों का निपटारा करने का काम अदालती अवकाश के दिनों में किया। अमूमन अदालती अवकाश के दिनों में किसी मुकदमे में फैसला नहीं सुनाया जाता है। इसके बाद भी जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने अपने कैरियर के आखिरी दिन इतने सारे मामलों में फैसला सुनाने का निर्णय लिया। आपको बता दें, इन जजमेंट में एक ऐसा कैदी भी था जिसे मौत की सजा मिली थी, लेकिन जस्टिस गुप्ता की अगुवाई वाली बेंच ने उस कैदी की मौत की सजा घटा दी। आपको ये भी बता दें कि जस्टिस मुक्ता गुप्ता दिल्ली हाई कोर्ट की 6वीं वरिष्ठतम जज थीं और दिल्ली हाई कोर्ट के 10 वरिष्ठतम जजों में इकलौती महिला जज भी थी। मुक्ता गुप्ता सिविल और क्रिमिनल मामलों की विशेषज्ञ हैं। वे अपने विदाई समारोह में मुक्ता गुप्ता ने कहा कि उनके लिए न्याय करना दैवीय कर्तव्य निभाने जैसा नहीं है और उनके लिए एकमात्र प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि अंत में न्याय की जीत हो। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मुक्ता गुप्ता है कौन और उनका जन्म कहाँ हुआ। जस्टिस मुक्ता गुप्ता का जन्म 28 जून 1961 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने 1980 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से बीएससी जूलॉजी ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद उन्होंने 1983 में कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की डिग्री पूरी की थी। साल 1984 में उन्होंने दिल्ली बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रैक्टिस शुरू की थी। 29 मई 2014 को वो परमानेंट जज बन गई थी। जज के तौर पर उन्होंने करीब 14 साल दिल्ली हाई कोर्ट में बिताए हैं। मुक्ता गुप्ता ने जज बनने से पहले हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में कई हाई प्रोफाइल मामलों में पैरवी भी की थी। इनमें जैसिका लाल मर्डर केस, संसद हमला, लाल किला हमला, नैनी साहनी मर्डर केस, नीतीश कटारा मर्डर केस, प्रियदर्शनी मर्डर केस आदि शामिल हैं। उनके करीबी सूत्रों के मुताबिक जज की जिम्मेदारी से रिटायरमेंट के बाद अब वो एक बार फिर वकील के तौर पर दिखाई देंगे। हालांकि इस बार वो हाई कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों को लड़ेंगे। हालांकि जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने खुद इस बारे में अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।